सो टुडे वी स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज. ठीक है, सो हम पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे अराउंड 7 to 8 वीडियोस में. दीज विल बी ऑल वन शॉट वीडियोस. ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ा हुआ है. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट ताकि आपको सारा दोबारा से रिकॉल हो जाए, सारा अच्छे से समझ आ जाए. सो एक बार रिवाइज हो जाए थोरली, राइट? सो डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी. तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, जावा हो, इवन आप डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में भी कर सकते हो. सो डेटा स्ट्रक्चर्स की जो कोडिंग है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है. सो डेटा स्ट्रक्चर्स की कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है. डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक कंसेप्ट होता है कि हम किस तरह से डेटा को मैनेज करते हैं. सो डेफिनेशन ही डेटा स्ट्रक्चर की क्या होती है, इट इज द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल वे ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा. कि किस तरह से डेटा स्टोर होगा, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, मतलब उसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितना स्पेस कंज्यूम होगा, वो सब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट एल्गोरिदम्स को एक दूसरे से. सो डेटा स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है वो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है. एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज दैट जहां पर आपका डेटा एक लाइन में स्टोर होता है. हम कहते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, लाइक दैट. और नॉन लीनियर इज जहां पे ऐसा कोई ऑर्डर होता नहीं है. तो लीनियर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एरेज. एरेज के बाद हमारे पास आपके पास आता है लिंक्ड लिस्ट, व्हिच इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. एंड देन वी हैव स्टैक एंड क्यू, व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. तो ये दोनों ही हैं ऐसे जिनको हम एडीटी, एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कहते हैं. क्योंकि जो बाकी के डेटा टाइप्स है ना वो डिफाइन होते हैं ऑन देयर फीचर्स, कि भाई स्टोरेज कैसे है, ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे आप उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो. लेकिन स्टैक और क्यू दो ऐसी चीजें हैं जो कि ऑपरेशंस के थ्रू डिफाइन होते हैं. कि अगर आप उसके ऊपर लिफो फॉर्म में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी वो सबसे पहले डिलीट होगी, तो वो स्टैक है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज फिफो, जो सबसे पहले इंसर्ट हुई है वो सबसे पहले बाहर आएगी, तो वो फिफो है, वो क्यू हो गया. सो ये एरे से भी बन सकता है, ये लिंक्ड लिस्ट से भी बन सकता है. तो इट इज नॉट डिफाइंड बाय द वे इट इज स्टोर्ड, रादर इट इज डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस यू परफॉर्म ऑन इट. तो ये डिफाइन होता है कि हम इसके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं. सो दैट इज योर लिफो एंड फिफो, राइट? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. नॉन लीनियर्स में हमारे पास आ जाता है ट्रीज. ट्रीज मतलब हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, जहां पे आपका डेटा एक ट्री शेप में अरेंज होता है कि एक रूट है, फिर उसके सब पार्ट्स हैं, फिर उसके सब पार्ट्स हैं, एंड सो ऑन. एंड ग्राफ में कोई भी ऑर्डर ही नहीं होता, कोई भी किसी के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, दैट इज सेड टू बी अ ग्राफ. तो आज हम बात करेंगे अभी पहले एरेज की. ठीक है, अब एरेज हो या कोई भी और डेटा स्ट्रक्चर हो, देर आर डिफरेंट ऑपरेशंस जो उसके ऊपर परफॉर्म होते हैं. बट टू बी स्पेसिफिक, पहले अगर हम बात करते हैं तो भाई एरे जो है हमारा वो है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज एरे. एरे को जब डिफाइन किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. क्या कहते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. So it's collection of homogeneous elements under a single variable name stored in contiguous memory location. तो इसमें आपके पास बहुत सारे important point आ गए इस definition के अंदर ही. ठीक है, बहुत सारे important point क्या है. पहला तो homogeneous elements. Homogeneous elements का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स हैव टू बी ऑफ सेम डेटा टाइप. अगर इंटीजर्स हैं तो सबके सब इंटीजर्स होंगे, अगर फ्लोट हैं तो सबके सब फ्लोट्स होंगे, अगर कैरेक्टर्स हैं तो सबके सब कैरेक्टर्स होंगे, राइट? सो ऑल एलिमेंट्स विल बी ऑफ सेम डेटा टाइप. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सबका नाम सेम है, सब एक ही नाम के अंदर स्टोर हो रहे हैं. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. सो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो मुझे 100 इंटीजर स्टोर करने हैं. Now, एक इंटीजर जो लेटेस्ट कंपाइलर है उसमें 4 बाइट्स लेता है, पुराने में 2 बाइट्स लेता था, अब 4 बाइट्स लेता है. तो एक इंटीजर एरे को 400 बाइट्स चाहिए. ठीक है, एक इंटीजर को 400 बाइट्स चाहिए, क्या होगा,
मान लो आप लोग फ्रेंड्स हो, आप 8-10 फ्रेंड्स ना मूवी देखने गए, ठीक है, एग्जाम्स खत्म हो गए, आप कह रहे हो चलो पिक्चर देखने जाते हैं। अब वो कुछ थिएटर इस तरीके से है कि टिकट्स लेनी है, बस सीट नंबर नहीं है टिकट्स पर, ठीक है। अब आप मूवी देखने गए, अब आप 10 फ्रेंड्स हो एक साथ, तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक जगह बीच में 6 सीट्स खाली थी और एक जगह कहीं और 4 सीट्स खाली थी, इकट्ठी 10 आपको कहीं नहीं मिल रही थी। तो आपने क्या कहा कि चल ठीक है 6 उधर बैठ जाओ 4 उधर बैठ जाओ, है ना, वो एरे नहीं है। एरे जो होगा वो हमेशा कंटिगियस लोकेशन में ही होगा। तो अगर एरे में 10 एलिमेंट है तो हम उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मेमोरी में 6 की जगह उधर खाली है 4 की जगह उधर खाली है तो ऐसे ऐसे स्टोर कर दो, नहीं, उसमें 10 के 10 एक साथ ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो एरे हमेशा कंटिगियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, मतलब कि मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती, ठीक है। सो एरे इज ऑलवेज इन कंटिगियस मेमोरी लोकेशंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने भी एरे में एलिमेंट्स होंगे वो सब एक साथ ही हो सकते हैं, बीच में ब्रेक नहीं आता, ठीक है। तो पहला अगर 100 पे है तो अगला 104 पे होगा, उससे अगला 108 पे, फिर 112, 116, 120 एंड सो ऑन, राइट, दैट्स कंटिगियस मेमोरी लोकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एरे और लिंक्ड लिस्ट का मेजर डिफरेंस ही यही है कि एरे जो है वो कंटिगियस है और लिंक्ड लिस्ट जो है वो नॉन कंटिगियस स्टोरेज है, राइट। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। फिर उसके बाद चलो ठीक है, अभी नाम सबका सेम है तो एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं आप, इंडेक्स, है ना, इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट। सो इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर पोजीशन इन द एरे। तो उनकी पोजीशन क्या है एरे में वो यूज होती है। कुछ लैंग्वेजेस में उसे हम इंडेक्स कहते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में हम उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, बट इट मीन्स द सेम थिंग। तो इसकी हेल्प से हम रेफर करते हैं, और जो इंडेक्स है वो शुरू कहाँ से होता है, जीरो से। सो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो पोजिशन एंड गोज अप टू मैक्सिमम साइज -1। जो आपका ट्रेडिशनल सी कंपाइलर्स हैं जैसे कि टर्बो हो गया, बॉरलैंड हो गया, ठीक है, ये जो कंपाइलर्स हैं उसमें एरेज जो हैं वो सिर्फ कंपाइल टाइम पे ही क्रिएट होते हैं बाय डिफॉल्ट, और रन टाइम पे करने के लिए हमें पॉइंटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। सो जनरली इसकी मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक ही होती है, बट हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, मतलब मेमोरी कैन बी एलोकेटेड बोथ एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। सो ये तो कुछ एरे के बेसिक पॉइंट्स हो गए आपको, जो आपके एरे के फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि भाई ठीक है एरे ये होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एरे। और आप सी में एरे डिक्लेयर कैसे करते हो, आप डेटा टाइप लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे एरे का, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज दे दोगे कि कितने एलिमेंट्स इस एरे में हो सकते हैं। ये जो साइज होता है इट मस्ट बी एन इंटेजर कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, मेरे पास 7.5 एलिमेंट तो नहीं हो सकते ना, आई कैन नॉट हैव 7.5 एलिमेंट्स इन एन एरे, इधर आई विल बी हैविंग 7 एलिमेंट्स और आई विल बी हैविंग 8 एलिमेंट्स, सो आई कैन नॉट हैव 7.5, राइट। और यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हो, आप हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देते हो। सो दैट्स हाउ योर एरे इज क्रिएटेड। सो एरे डिक्लेरेशन आपने कर दी, आपने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा, आपने एरे का नाम लिखा और आपने यहाँ पर साइज दे दिया। इसका मतलब ये एक एरे है जो 20 बाइट्स लेगा, अगर आपका एक इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है तो 40 बाइट्स लेगा। ए 0 विल बी माई फर्स्ट एलिमेंट, ए 1 विल बी माई सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन, आप ऐसे करके असाइन भी कर सकते हो। अगर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं और उसमें इनिशियली कुछ भी नहीं डालते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपने ऐसे लिख के छोड़ दिया पर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो उसमें क्या होता है, गार्बेज वैल्यूज, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं दिया तो जो पहले से पड़ा है वो गार्बेज है। आप चाहो तो एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं A5 इज इक्वल टू एंड देन यू गिव दी वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, एरे को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सो योर एरे इज इनिशियलाइज लाइक दिस। तो ये वाला एलिमेंट 0 पे चला जाएगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। इसमें ये भी पॉसिबल है कि आप यहाँ पर साइज ना दो, सिर्फ वैल्यूज दे दो। तो क्या होता है, जितनी वैल्यूज आपने यहाँ कर्ली ब्रैकेट में दी है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को साइज काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एरे का साइज 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एरे का साइज ज्यादा दे दो, आपने 10 दे दिया,
लेकिन आपने जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ चार दी हैं। तो ऐसे में क्या होता है? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पार्शियल इनिशियलाइजेशन। सो पार्शियल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जीरो पे जाएगा, ये वन पे, ये टू पे, ये थ्री पे, और बाकी जो पोजीशंस आपकी बची फोर से लेकर नाइन तक, सो बाकी जो फोर से नाइन तक पोजीशंस बच रही हैं उसमें क्या जाएंगे? सारे जीरोस। तो ये ध्यान रखना है कि एरे अगर डिक्लेयर हुआ है और बिल्कुल भी इनिशियलाइज नहीं हुआ तो उसमें सारे में गार्बेज वैल्यूज होंगे, मतलब कुछ भी नंबर पड़े होंगे जो हमारे किसी काम के नहीं है। सो जो भी नंबर्स पड़े हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो हमारे लिए वो गार्बेज है। लेकिन अगर आप उसके अंदर स्टोर करा रहे हो, क्या स्टोर करा रहे हो? आप उसके अंदर पार्शियल इनिशियलाइजेशन करा रहे हो, तो बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। तो हम तो बहुत स्मार्ट प्रोग्रामर हैं, इससे हमने क्या आइडिया सोच लिया कि भाई अगर मेरे को 10 एरे एलिमेंट्स चाहिए और मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे जीरो हो, तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ एक जीरो लिख के छोड़ दो। तो इससे क्या हुआ? पार्शियल इनिशियलाइजेशन, पहला एलिमेंट जीरो हुआ क्योंकि मैंने जीरो डाला है, और बाकी के नाइन इसलिए जीरो हो गए क्योंकि ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन है। तो आपके एरे में 10 के 10 नंबर बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे क्योंकि आपने पार्शियल इनिशियलाइजेशन की है। सो दैट इज हाउ वी कैन इनिशियलाइज एन एरे बाय जीरो विद जस्ट दिस मच ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पर साइज जो है वो छोटा दे देते हो, आपने साइज फोर दिया है लेकिन आप वैल्यूज ज्यादा दे देते हो, तो भाई एरर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द केस वेयर यू विल गेट एन एरर। साइज छोटा देके वैल्यूज हम ज्यादा नहीं दे सकते, वो आपका एरर वाला काम हो जाएगा। सो ये तो हो गया एरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है। सो हमने एरे डिक्लेरेशन देख ली, एरे इनिशियलाइजेशन देख ली, अब एरे को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स मतलब प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। सो वी हैव एन ऑपरेशन कॉल्ड ट्रेवर्सल। सो ट्रेवर्सल का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस। सो प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। तो बहुत ही सिंपल है, आप एक लूप लगाएंगे, वो लूप आपका शुरू होना चाहिए जीरो से, जितने आपके पास एरे में एलिमेंट्स हैं उतनी बार आपका लूप चलना चाहिए। इसके अंदर आप प्रिंट करा रहे हो, स्कैन करा रहे हो, कंपेयर करा रहे हो, जो मर्जी करा रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। सो वट एवर ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। तो ये ऑपरेशन पहले किस पे परफॉर्म होगा? ए जीरो पे, फिर आई वन हो जाएगा। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए वन पे, फिर आई टू हो जाएगा। ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए टू पे, देन ए थ्री पे, ए फोर पे, ए फाइव पे, ए सिक्स पे, एंड सो ऑन। सो इट विल कीप ऑन वर्किंग लाइक दैट। सो ये क्या हो गया? ट्रेवर्सल, वाय प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। तो ट्रेवर्सल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ओ एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप चल रहा है। सो लूप इज वर्किंग फॉर एन टाइम्स, सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेवर्सल विल बी ओ एन। इससे कम हो भी नहीं सकती क्योंकि हमें हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है। तो जब भी आपको एरे के हर एलिमेंट पे काम करना है, चाहे आप उसे यूजर से इनपुट करवा रहे हो, स्कैन कर रहे हो, चाहे आप उसे प्रिंट करा रहे हो, चाहे आप लीनियर सर्च में उसको कंपेयर करा रहे हो, तो लूप आपका पूरा सारी पोजिशन के लिए चलेगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ऑपरेशन, राइट। ये तो हो गया आपका एरे में इंसर्शन। आप देखो एरे भी ना डिफरेंट डायमेंशन के होते हैं, इंसर्शन नहीं सॉरी ट्रेवर्सल, एरे भी डिफरेंट डायमेंशन के होते हैं। जो अभी आपने देखा ये क्या था? वन डायमेंशनल एरे। तो जो मैंने अभी क्रिएट किया दैट वॉज अ वन डायमेंशनल एरे, बट आई ऑल्सो हैव टू डायमेंशनल एरे, आई कैन ऑल्सो हैव अ थ्री डायमेंशनल एरे, फोर डायमेंशनल एरे। तो मैं कितनी भी डायमेंशन ले सकती हूँ, पर ज्यादातर हम काम किस पे करते हैं? वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन पे। सो वन डायमेंशन तो हो गया आपका ये कि भाई ठीक है एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो इस तरह से स्टोर्ड है। तो जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, एक लाइन में वैल्यूज है। तो ये वन डायमेंशन हो गया। टू डायमेंशनल इज विच हैज डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो इफ आई हैव डेटा लाइक दिस, तो ये आपके पास रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आ गया। सो इसमें आपके पास थ्री रोज फोर कॉलम्स है। सो ये आपका 2D एरे हो गया, टू डायमेंशनल एरे। ये हो गया जीरो रो जीरो कॉलम, जीरो रो वन, जीरो टू, जीरो थ्री। ये हो जाएगा वन जीरो, वन वन, वन टू, वन थ्री पोजिशन पे। ये टू जीरो, टू वन, टू टू, टू थ्री पोजिशन पे। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? हम डिक्लेयर करेंगे इंट ए एंड देन पहला स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें नंबर ऑफ रोज आएगा, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा। सो इंट ए थ्री फोर, सो वी गिव द नंबर ऑफ रोज, वी गिव द नंबर ऑफ
कॉलम्स. सो ए थ्री फोर आपने दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ अगर इनिशियलाइज करना चाहते हो तो इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर करके छोड़ना है तो डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो. अगर इनिशियलाइज कर रहे हो तो एक कर्ली ब्रैकेट पहले आएगी, फिर एक कर्ली ब्रैकेट आएगी जिसमें आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स दोगे, फिर एक कर्ली ब्रैकेट दोगे जिसमें सेकेंड रो के एलिमेंट्स दोगे. वैसे तो इसमें चार है, बट मान लो अगर मैंने दो दे दिए तो क्या होगा, सिक्स सेवन यहाँ आएंगे और यहाँ पर जीरो जीरो हो जाएगा, पार्शियल इनिशियलाइजेशन वाला केस हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट कुड बी इनिशियलाइज्ड. सो दैट इज योर टू डी एरे, दैट इज टू डायमेंशनल एरे. और टू डायमेंशनल एरे को अगर आपको ट्रेवर्स करना है तो ऑब्वियसली एक लूप से तो काम चलेगा नहीं. ठीक है, तो एक लूप से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ रोज को भी प्रोसेस करना है, कॉलम्स को भी प्रोसेस करना है. तो मान लो मैंने यहाँ पर आई और जे डिक्लेयर करके रखे हैं इंटीजर्स, तो आई विल स्टार्ट आई एज जीरो. आई जाना चाहिए नंबर ऑफ रोज के लिए, और आपका जो जे है वो जाना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए. अब इसके अंदर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, स्कैन कराना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप ए आई जे पे परफॉर्म कर सकते हो. तो पहली बार आई जब जीरो है, जे जीरो होगा, इट विल प्रोसेस ए जीरो जीरो. फिर आई तो जीरो ही रहेगा लेकिन जे वन हो जाएगा, सो इट विल प्रोसेस ए जीरो वन. फिर आई जीरो ही रहेगा, जीरो टू प्रोसेस हो जाएगा, फिर जीरो थ्री प्रोसेस हो जाएगा. देन वी विल बी प्रोसेसिंग वन जीरो, वन वन, वन टू, वन थ्री. देन वी विल बी प्रोसेसिंग टू जीरो, टू वन, टू टू, टू थ्री. सो दैट इज हाउ योर थ्री बाय फोर मैट्रिक्स इज प्रोसेस्ड. तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन बाय एम हो जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. सो मैट्रिसेस तो बहुत जगह यूज होती हैं, बहुत सारी तरह की कैलकुलेशंस में यूज होती हैं. ठीक है, आपकी जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं वो सॉल्व करने के लिए भी आप मैट्रिसेस यूज कर सकते हो. देन कम्स थ्री डी एरेज. उसमें मतलब मुझे अगर एरे ऑफ मैट्रिसेस लेना हो, मुझे एक ऐसा एरे लेना हो जिसमें पांच मैट्रिसेस हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंट ए फाइव थ्री फोर. इंट ए फाइव थ्री फोर, उसका क्या मतलब हो गया, पांच मैट्रिक्स हो जाएंगी. हर मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स, मतलब हर एलिमेंट के अंदर एक फर्दर मैट्रिक्स होगी जिसका साइज तीन बाय चार होगा. सो यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर इट लाइक दिस, लाइक दिस. सो ये थ्री डी एरे हो गया. तो इसमें ए जीरो 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 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का जीरो टू, जीरो थ्री, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का वन जीरो, फर्स्ट मैट्रिक्स का वन वन, फर्स्ट मैट्रिक्स का वन टू, फर्स्ट मैट्रिक्स का वन थ्री. ऐसे ये पूरा होने के बाद फिर ये ए वन शुरू हो जाएगा, ए वन जीरो जीरो, ए वन जीरो वन, ए वन जीरो टू, ए वन जीरो थ्री. सो आई हैव इट लाइक दिस. तो बहुत कम यूज होती है ये, बट आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबल है. सो वी कैन हैव अ थ्री डी मैट्रिक्स एज वेल, फोर डी मैट्रिक्स एज वेल, जिन्हें हम मल्टी डायमेंशनल एरेज कहते हैं. ठीक है, सो यू शुड नो ऑपरेशंस ऑन एरेज, यू शुड नो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एंड यू शुड नो ऑपरेशन ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ एरे कॉल्ड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होता है, फटाफट से मुझे लिख के बताओ चार्ट में कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग. एरेज की टर्म में आपको बताना है कि स्ट्रिंग क्या होता है सी लैंग्वेज में. सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं. सो स्ट्रिंग जो है आपका वो होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स. सो एरे ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं. सो स्ट्रिंग का मतलब है व्हेन यू टेक मल्टीपल कैरेक्टर्स इन एन एरे. सो स्ट्रिंग क्या है, एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. अब ये थोड़ा सा नॉर्मल एरे से डिफरेंट क्यों हो जाती है. ठीक है, डिफरेंट इसलिए हो जाती है कि आप इसको डिक्लेयर करते हो एज कैर ए 50. तो दैट मीन्स इट्स एन एरे विच कैन स्टोर 50 कैरेक्टर्स. तो इसमें वो सब ऑपरेशंस हो सकते हैं जो नॉर्मल एरेस पे हो सकते हैं. आप ए जीरो पे पहला कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, ए वन पे दूसरा कर रहे हो, ए टू पे अगला कर रहे हो, फिर ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, यूजिंग लाइक दिस, राइट. तो हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंट चीज ये है कि आपको नॉर्मल एरे लूप लगा के इनपुट करना पड़ता है, आपको नॉर्मल एरे लूप लगा के प्रिंट करना पड़ता है. सेम इज द केस विद 2D एरे, 3D एरे ऑल्सो. लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में अगर आप एक सिंगल स्ट्रिंग ले रहे हो, इसको डायरेक्ट इनपुट करवा सकते हो scanf की हेल्प से, परसेंटेज s लिख के. और जब आप इसको इनपुट करवाओगे परसेंटेज sa से, तो आपको यहाँ एम्परसेंड साइन नहीं देना है. वो आपको पता चलेगा कि एरे और पॉइंटर्स जो है वो आपस में बहुत रिलेटेड होते हैं. एरे का नाम खुद एक पॉइंटर होता है. सो एरे नेम जो होता है दैट होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे.
तो जो एरे का नाम होता है वो एक पॉइंटर भी होता है एंड इट होल्ड्स द बेस एड्रेस, दैट मींस द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. सिंस वो खुद ही एड्रेस है तो उसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एम्परसेंड साइन नहीं आता है. ठीक है, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है, कैन नॉट इनपुट स्पेसेस. सो स्पेसेस टर्मिनेट्स द इनपुट. सो जैसे ही स्पेस प्रेस होगा का इनपुट ही टर्मिनेट हो जाता है, उसके आगे का रीड ही नहीं करता. तो अगर आपको स्पेसेस को रीड करना है तो हम क्या यूज करते हैं, गेट्स ए. सो गेट्स ए दोनों ही stdio.h के अंदर है, तो आपको अलग से कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. scanf हो या गेट्स हो, बोथ आर इन stdio.h. गेट्स ए लिखने से आपकी स्ट्रिंग अलोंग विद स्पेसेस रीड हो जाती है. तो ये टर्मिनेट होता है, इट टर्मिनेट्स द इनपुट ऑन न्यू लाइन, दैट इज एंटर. जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करोगे इट विल एक्सेप्ट द इनपुट, राइट. ऐसे ही जब प्रिंट कराना हो तो भी आपको स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए सिर्फ परसेंटेज एस ए लिख देना है कि स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, या फिर पुट्स ए लिखने से भी प्रिंट हो जाएगी. तो आपको लूप्स लगाने की जरूरत नहीं होती है स्ट्रिंग को इनपुट या फिर प्रिंट कराने के लिए. बट हाँ, अगर आपको कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एनी अदर ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग्स, तो आप लूप जरूर लगा सकते हो. एंड यहाँ पर हेल्प करता है आपको एक लॉजिक कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें हमेशा चाहे आप इनिशियलाइज करो चाहे आप यूजर से इनपुट लो, इट स्टोर्स अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड नल. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया a20 इज इक्वल टू स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, ये होता है इनिशियलाइजेशन. स्ट्रिंग कैन बी इनिशियलाइज लाइक दिस, कैर a20 इज इक्वल टू स्ट्रक्चर. तो इसमें s आएगा 0 पोजीशन पे, t आएगा 1 पोजीशन पे, फिर r, फिर u, फिर c, फिर t, फिर u, फिर r, फिर e, और एंड में होगा \0, दैट स्टैंड्स फॉर नल. सो ये जो \0 है इसका मतलब क्या है, नल. तो स्ट्रक्चर स्टोर होगा और सबसे लास्ट में स्टोर होगा \0, दैट मींस नल. ठीक है, सो अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्टोर्ड लाइक दिस. आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक मुझे नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने हैं, तो मैं एक लूप लगा सकती हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पर लगा दूंगी ए आई नॉट इक्वल टू नल आई प्लस प्लस. ठीक है, सो आई इज इक्वल टू 0, ए आई नॉट इक्वल टू नल आई प्लस प्लस. अब इसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि भाई अगर ए आई की वैल्यू स्मॉल ए है, वॉवल है, या फिर ए आई की वैल्यू ई है. अब पाइथन तो ये है नहीं कि हम यहाँ पर इन लगा के काम कर लें, सी है तो आपको आप पूरा का पूरा कोड ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 कंडीशंस, और फिर जो भी आपने वॉवल के लिए वेरिएबल लिया होगा उसको आप 1 से इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपने ऊपर ऑब्वियसली वॉवल 0 एज्यूम किया होगा उसे जब भी हमें वॉवल मिलेगा हम 1 से इंक्रीज कर देंगे. बट द थिंग इज दिस कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चाहे आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप उसे अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे आप उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हो, वट एवर टास्क यू आर डूइंग, तो स्ट्रिंग खत्म कहाँ पे हो रही है वो पता लगाने के लिए हमारे पास नल कैरेक्टर होता है. तो जहां पे भी आपका नल कैरेक्टर होता है वहां पे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, राइट. सो ये आप यूज कर सकते हो व्हाइल कोडिंग फॉर योर स्ट्रिंग प्रोग्राम्स. सो स्ट्रिंग प्रोग्राम्स इस तरह से कोड हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करने का तरीका. और आपको स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स करते हुए ये याद रहना चाहिए कि कैपिटल ए टू जेड की एस्काई वैल्यू क्या है. तो फटाफट से अगर याद है तो लिख के दिखाओ चैट में, वॉट इज द एस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए टू जेड. सिमिलर वे You should know what is the ASCII value of small a to z. ये तो जरूर याद होना चाहिए हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को. आप चाहे BCA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BTech कर रहे हो, यू मस्ट रिमेम्बर the ASCII values. यूनिकोड में भी इंग्लिश अल्फाबेट्स की वैल्यू सेम रहती है. सो जी हाँ, आपके पास कैपिटल A शुरू होता है 65 से और Z तक जाता है 90. तो 65 is capital A, 66 is capital B, then 67 is capital C and so on. Z is 90. एंड 97 से आपका शुरू हो जाता है स्मॉल, 97 to 122. सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस. आपको स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है कि दो स्ट्रिंग्स इनपुट करो, कंपेयर करके बताओ स्ट्रिंग सेम है या नहीं. तो कैसे करोगे, जीरो पोजीशन वाले को दूसरी स्ट्रिंग के जीरो पोजीशन वाले से कंपेयर करोगे, वन पोजीशन को दूसरे वाले के वन पोजीशन से कंपेयर करोगे, एंड कंपेयर करते रहोगे जब तक मिसमैच ना मिल जाए. अगर मिसमैच मिल गया तो सेम नहीं है, और अगर दोनों एक साथ नल हो गई That means कि सारे कैरेक्टर्स मैच करते थे तो स्ट्रिंग्स आर मैचिंग.
बट हमारे पास एक और फाइल भी होती है जिसका नाम होता है स्ट्रिंग डॉट एच। तो आप हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच कर सकते हो और इसके अंदर ये फंक्शंस हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जैसे कि strlen विच इज यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे और ये हमें बदले में एक इंटेजर देगा जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग होगा कि स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल, स्पेसेस सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देन यू हैव strcpy। एक एरे दूसरे एरे में कभी भी असाइन नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास कैर a20 और b20 है, राइट, और आपने ए में वैल्यू इनपुट की हुई है और आप चाहते हो कि उसको बी में पुट कर दो, तो ये लिखना गलत होगा। हम एक एरे को दूसरे एरे में असाइन नहीं कर सकते, दिस विल जनरेट एन एरर। तो यहाँ आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉपी बी कॉमा ए। तो strcpy इज अ फंक्शन विच इज यूज टू कॉपी। तो पहले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का नाम आता है और फिर आपकी सोर्स स्ट्रिंग का नाम आता है, तो ये वाली स्ट्रिंग इसमें कॉपी हो जाती है। सिमिलर वे वी हैव strcat। इसमें कंकैटिनेशन होती है, इसमें वही पहले वाली के पीछे दूसरी वाली अटैच हो जाएगी। इट्स लाइक बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो बी और ए पहले ज्वाइन होंगे, जो रिजल्ट बनेगा वो वापस बी में ही स्टोर हो जाएगा। strrevy विच इज यूज टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। एंड वी हैव फंक्शन फॉर स्ट्रिंग कंपेरिजन, strcmp। दो स्ट्रिंग्स हम पास करेंगे, ये बदले में हमें इंटेजर देता है। अगर इसका आंसर जीरो आया, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों स्ट्रिंग्स सेम है, तो इफ इट गिव्स यू जीरो दैट मींस बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी से बड़ी है, अगर नेगेटिव डिफरेंस आता है तो स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी से छोटी है। सो दिस इज हाउ वी यूज स्ट्रिंग डॉट एच। और अगर आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए तो आप 2D एरे ले लो। आपने यहाँ पे ले लिया a 10 50। इसका क्या मतलब है कि इसमें 10 स्ट्रिंग्स होंगी, हर स्ट्रिंग में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो a0 विल बी माई वन स्ट्रिंग जिसमें मैक्सिमम 50 लेटर्स हो सकते हैं, a1 विल बी माई स्ट्रिंग जिसमें मैक्सिमम 50 लेटर्स हो सकते हैं, सिमिलर वे a2 a3 a4 एंड सो ऑन, राइट। सो 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है, 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है उसको हम 1D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स मान सकते हैं। सो 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एज one dimensional array of strings. So this is about strings in C. So this is how we can process. So ये आपको brief में मैंने बताया है कि strings के ऊपर क्या क्या operations हो सकते हैं, right? So ये तो operations आपके perform हो सकते हैं strings के ऊपर। अब ऐसे ही आपको matrices के ऊपर भी सारे operations perform करने आने चाहिए। So matrices के ऊपर क्या क्या operations perform हो सकते हैं? We can find transpose of a matrix, है ना। एक मैट्रिक्स ले रहे हो, आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट कराना है, तो बहुत सिंपल है, आपको जो पहला लूप है वो लेना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, ठीक है। जो दूसरा लूप है वो आप ले लोगे नंबर ऑफ रोज के लिए। मैं ये एज्यूम करके बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि आपने मैट्रिक्स इनपुट करा रखी है, ठीक है। सो r/c की आपकी मैट्रिक्स है ओरिजिनल, ट्रांसपोज के लिए हमने इसको c/r कर दिया। और जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, वी आर गिविंग लेट्स से अ टैब इन द नंबर्स, तो जब आप इसको प्रिंट करा रहे होगे तो आप aij प्रिंट नहीं करोगे, आप aji प्रिंट करोगे। सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग aij यू शुड प्रिंट aji। उससे क्या होगा, आपके पास ट्रांसपोज आएगा, क्योंकि देखो अगर आपकी मैट्रिक्स होती है a00 01 02 एंड a10 a11 a12, सो दिस इज अ 2x3 मैट्रिक्स। तो जब हम प्रिंट करा रहे होंगे तो लूप चलेगा 3x2। 3x2 जब लूप चलेगा तो i0 है, j0 है, a00 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद j इंक्रीज होके 1 होगा ना, जब j 1 होगा तो यहाँ पे आपके ट्रांसपोज में देखो सेकेंड इंडेक्स सेम रहता है, पहला इंडेक्स बदलता है। तो पहला इंडेक्स तो इनर लूप पे डिपेंड होना चाहिए, सो इट शुड बी aji, ताकि वो a10 को प्रिंट करे, ठीक है। फिर आपका आई जो है वो 1 हो जाएगा, j0 हो जाएगा, j0 है तो इसलिए वो a01 प्रिंट करेगा, और फिर j इंक्रीज होगा तो a11 प्रिंट होगा। सिमिलर वे a02 एंड a12 प्रिंट हो जाएंगे, सो दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज के बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हैं, उनको आपस में ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी नो कि मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी होता है जब मैट्रिसेस का साइज सेम हो।
So matrices must be of same size to perform addition and subtraction. So both matrices must have the same size. मतलब R1 R2 के सेम होना चाहिए, C1 C2 के सेम होना चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है. अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपको सिर्फ क्या करना है, I0 I<R1 लिखो या R2, एक ही बात है, दोनों सेम ही है. फिर ऐसे ही आप लिखोगे J=0, J<C1 या C2 जो मर्जी लिखो, एक ही बात है. अगर आप डायरेक्ट सम प्रिंट ही करा रहे हो, आपको स्टोर कहीं पे नहीं कराना, तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो %D AIJ प्लस BIJ. अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो AIJ माइनस BIJ कर देते, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर न्यू लाइन दे देते. तो इट इज क्वाइट सिंपल कि A00 B00 से ऐड हो जाएगा, A01 B01 से ऐड हो जाएगा, A02 B02 से ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन. सो अगली रोज तो ये आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा. सबसे बड़ा काम यहाँ आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन उतनी सिंपल नहीं होती है ना, मल्टीप्लीकेशन उतनी सिंपल नहीं होती. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है उसमें हमारे पास एक रूल होता है कि अगर पहली मैट्रिक्स का साइज n/m है और दूसरी मैट्रिक्स का साइज p/q है, सो दिस इज योर मैट्रिक्स ए, दिस इज योर मैट्रिक्स बी, सो दिस हैज टू बी सेम. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. अगर ये इक्वल है तभी आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं हो सकता, ठीक है. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू. अगर नहीं है तो नहीं होगा, और जो रिजल्ट है उसका साइज जो होगा वो n/q होगा, मतलब फर्स्ट ये और ये, सो रिजल्ट विल बी n/q. सो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट हुई हुई है, सेकेंड मैट्रिक्स इनपुट हुई हुई है, ए और बी मेरी मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिक्स सी जो है उसमें मुझे रिजल्ट को स्टोर कराने को कहा गया है. तो कुछ इस तरह से लूप आपका चलेगा. सबसे पहले तो जो रिजल्टेंट साइज है वो क्या है, n/q. तो आपका आउटर लूप चलेगा n टाइम्स, दैट इज नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स. फिर आपका j वाला लूप चलेगा फॉर q टाइम्स, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकेंड मैट्रिक्स, बिकॉज दैट्स द साइज ऑफ द रिजल्ट. तो जो रिजल्ट है वो n/q साइज का होगा, उसमें रोज कितनी होंगी n, उसमें कॉलम्स कितने होंगे q, तो ये चलना चाहिए. अब आपको सी में अगर डेटा स्टोर करनी है तो मैंने cij को इनिशियली 0 ले लिया. अब आपको याद होगा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है वो सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन से नहीं होती. हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, A00 into B00. फिर फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, A01 into B10, A02 into B20. उनको आपस में ऐड करते हैं तब जाकर CIJ आता है. तो कुछ टर्म्स होती हैं जो ऐड करनी पड़ती हैं, और वो एडिशन के लिए हम एक और लूप लगाएंगे. लेट्स से K इज इक्वल टू 0, K लेस देन, अब यहाँ M लिखो या P लिखो एक ही बात है, दोनों सेम है. सो नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स या नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, व्हाटएवर यू राइट. और यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं CIJ प्लस इक्वल टू, CIJ में आपको ऐड करते जाना है. क्या ऐड करते जाना है, AIK मल्टीप्लाइड बाय BKJ. सो ये आपका आज का होमवर्क भी है कि आप इस कोड को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है फॉर अ 2x3 एंड अ 3x2 मैट्रिक्स लेट्स से. एंड देन टुमारो व्हेन वी विल हैव द क्लास मैं आपसे पूछूंगी कि ये कैसे काम कर रहा है, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन मी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज द कोड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, बट हाउ इज इट वर्किंग इसको आप अपना ड्राई रन करके देखोगे. आई होप ड्राई रन सबको पता है क्या होता है. सो ड्राई रन इज बिना कंप्यूटर के पेन एंड पेपर पे आप लूप का एक एक स्टेप चला के देखते हो कि वो लूप एग्जैक्टली चल कैसे रहा है. सो आप उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि ये लूप कैसे चल रहा है, कैसे ये आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. सो यू मस्ट चेक दिस आउट, फाइन. ये हो गया आपका एक. अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, स्पार्स मैट्रिसेस. वी हैव मैट्रिसेस लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको पूछ सकते हैं कि कोड करके दिखाओ कि एक मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, या एक 5x5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दिखाओ. तो उसमें क्या होगा, आप इनिशियली पूरी मैट्रिक्स जीरो से इनिशियलाइज कर दोगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, मतलब A00, A11, A22,
जहां पे आई और जे सेम आता है उस पे वन पुट कर दोगे, है ना। ऐसे ही सिमिलर वे आप चेक कर सकते हो कि अगर डायगनल पे सिर्फ वन है और बाकी सब जगह जीरो है तो यस इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नॉट। ऐसे ही आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड देन वी डू हैव स्पार्स मैट्रिसेस। स्पार्स मैट्रिसेस क्या होती है? दीज आर स्पेशल मैट्रिसेस जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होते हैं। सो स्पार्स मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है which has maximum elements as zero. So it has most of the elements as zero. So mostly elements इसके अंदर मेरे पास zero होते हैं, उसे हम sparse matrix कहते हैं, ठीक है। पर आप खुद इमेजिन करो कि अगर 10 by 10 की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 100 नंबर स्टोर हो सकते हैं, 100 एलिमेंट्स, लेकिन उसमें से नॉन जीरो सिर्फ 5 ही है। नॉन जीरो कितने हैं? 5। सो अगर आप एक एरे लेते हो, एक एलिमेंट को 4 बाइट्स चाहिए, तो 400 बाइट्स आप स्टोर करा रहे हो, जबकि आपको चाहिए कितनी? 20 की तो चाहिए, बाकी जगह पे तो जीरो ही स्टोर हो रहा है। तो यू आर वेस्टिंग मेमोरी लाइक दैट, है ना। तो आप कितनी मेमोरी वहां पर वेस्ट कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है स्पार्स मेट्रिसेस के साथ। अब स्पार्स मेट्रिसेस को स्टोर करने के लिए हम फिर कोई और ऑल्टरनेटिव सोचते हैं कि भाई ऐसे कैसे स्टोर करें स्पार्स मैट्रिक्स को ताकि हमारे पास स्पेस की ज्यादा वेस्टेज ना हो। तो इट कैन बी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज एरे रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन तो जब हम लिंक्ड लिस्ट करेंगे फिर बात करेंगे, पर अभी एरे रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? 3 एरे ले सकते हो। एक एरे का नाम हो सकता है रो, एक का नाम कॉलम, एक का नाम वैल्यू, ठीक है। हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो 10% से भी लेस हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज होंगी। तो इनको 10 10 साइज का ले लो, तब भी 100 एलिमेंट्स की जगह 30 एलिमेंट्स के लिए जगह ले रहे हो ना। आप 100 की जगह 30 एलिमेंट्स की जगह ले रहे हैं, उसमें हम स्टोर क्या कराएंगे? जिस जगह पर नॉन जीरो एलिमेंट है उसकी पोजिशन और उसकी वैल्यू। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टोर द वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर रो, दैट पर्टिकुलर कॉलम। सो आई एम गोइंग टू स्टोर इट लाइक दिस। सो इट सेज कि फर्स्ट रो में 6th कॉलम में 80 है, थर्ड रो में 5th कॉलम में 70 है, फोर्थ रो में 4th कॉलम में 75 है, फोर्थ रो में 10th कॉलम में 40 है, 8th रो में 3rd कॉलम में 81 है। उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे जीरो है, ठीक है। ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। सो दैट्स हाउ वी आर स्टोरिंग द स्पार्स मैट्रिक्स। और फिर हम एक लूप लगा सकते हैं, हमें पता है कि रोज कॉलम्स कितने हैं। आई जीरो है, आई लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस है, देन जे जीरो है, जे लेस देन 10 है, जे प्लस प्लस है। आप यहां पर चेक कर लोगे कि अगर तो आई, और एक यहां पर के हमने ले रखा है इनिशियली जीरो, सो आई कैन चेक कि इफ आई इज इक्वल टू रो के एंड जे इज इक्वल टू कॉल के। सो इफ इट इज इक्वल तो हम क्या करेंगे? हम प्रिंट करवा देंगे किसको? वैल्यू के को, और फिर के जो है वो इंक्रीज होके नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा। एल्स हम क्या प्रिंट करवा देंगे? जीरो। सो एल्स वी विल सिंपली बी प्रिंटिंग जीरो। तो जहां पर आपका रो कॉलम मैच करेगा वहां पे वैल्यू पिक हो गए प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज वो जीरो प्रिंट होगा। तो जो स्क्रीन पे दिखेगा दैट विल बी विजिबल एज अ स्पार्स मैट्रिक्स, बट वो एक्चुअली में स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। दैट इज नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स इन रियालिटी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन स्पार्स मैट्रिसेस। तो एक तो आपको मुझे मल्टीप्लीकेशन वाला कोड एक्सप्लेन करना है, दूसरा आप सोचोगे कि अगर आपको दो स्पार्स मैट्रिसेस इसी तरीके से दी जाए तो क्या हम उनको ऐड कर पाएंगे, और अगर ऐड कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, मतलब व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दैट, हाउ विल यू ऐड टू स्पार्स मैट्रिसेस। तो वो मैट्रिसेस इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, आपको उनमें एडिशन परफॉर्म करना है। यू हैव टू ऐड टू स्पार्स मैट्रिसेस टू क्रिएट अ थर्ड मैट्रिक्स। सो यू विल टेल हाउ इट वुड बी कोडेड, राइट। सो दैट इज अनदर थिंग यू हैव टू वर्क ऑन। सो ये सब तो हो गए प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बट एरेज और मैट्रिसेस के ऊपर एक और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ कैन यू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। सो आपको एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है, वो कैसे कर सकते हैं?
ठीक है। सो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या होता है, देखो हमें पता है कि एरे कंटिजियस लोकेशन में स्टोर होता है। सो इट इज वेरी सिंपल इन 1D एरे। 1D एरे में क्या होता है कि आपके पास एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो इफ आई से दैट आई हैव एन एरे हैविंग 10 एलिमेंट्स, A10 है, ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइंग 4 bytes, राइट, एंड स्टार्ट्स एट एड्रेस 5000। सो 5000 पे स्टार्ट होता है, ठीक है। 5000 पे स्टार्ट होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि A6 का एड्रेस बताओ, यू हैव टू फाइंड द एड्रेस ऑफ A6। सो इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, सिंपल। सो बेस एड्रेस कितना था, 5000, इंडेक्स क्या है, 6, विड्थ कितनी है, 4, 24, 5024, दैट इज इट, के पास आंसर आ गया, क्योंकि कंटिगियस है ना। तो A0 अगर 5000 पे है, तो A1 5004 पे होगा, 5008 पे होगा, और ऐसे ही आपका जो A6 बनेगा वो 5024 पे बनेगा। सो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू विड्थ। सो 1D एरे का तो सॉर्टेड है, बट इफ यू हैव अ 2D एरे तो उसमें भी दो ऑप्शन आ जाती हैं। वैसे तो हम रो मेजर पे ही काम करते हैं, पर हमारे पास मेमोरी में स्टोरेज वाइज दो तरह से आपके 2D एरे स्टोर होते हैं, एक रो मेजर एक कॉलम मेजर। रो मेजर का मतलब होता है कि पहले मेमोरी में फर्स्ट रो स्टोर होगी, फिर दूसरी रो स्टोर होगी। जैसे मान लो आपके पास ये फर्स्ट रो है, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, फिर आपके पास ये सेकेंड रो है, फिर आपके पास थर्ड रो है। सो डिपेंडिंग आप कितने साइज का एरे ले रहे हो, तो ये स्टोर कैसे होगा। तो अगर इसकी मेमोरी लोकेशन 500 है, तो ये 504 होगा, ये 508 होगा, ये 512, 516, देन दिस विल बी 520, 524, 528 एंड सो ऑन, दिस विल बी 540 एंड सो ऑन। अब ये तो चलो 3 by 5 था तो मैंने बना लिया, 15 by 20 हो तो बनाओगे तो नहीं ना ऐसे, आप ये तो नहीं बनाओगे। तो वहां पे फॉर्मूला लगता है बेस एड्रेस प्लस आईएथ रो, आपको आईएथ रो जेएथ कॉलम का एड्रेस निकालना है। सो 2 row पे अगर मुझे पहुंचना है, तो मतलब मैं ये 2 rows क्रॉस कर चुकी होंगी ना, ये 2 पूरी पूरी rows क्रॉस करके तभी तो तीसरी रो तक पहुंचेंगे। सो आई मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स, एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, तो 5 कॉलम्स है ना यहाँ पे, प्लस जे, इतने एलिमेंट्स आप क्रॉस करके पहुंच रहे हो, और इतने एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। सो अगर मुझे यहाँ पर एड्रेस निकालना होता A21 का, ठीक है, तो बेस एड्रेस कितना था, 500, आई कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5, जे कितना है 1, विड्थ है मेरे पास 4। सो 2 × 5 = 10 = 11, सो ये कितना बन जाता, 500 प्लस 11 × 4 = 44, सो दैट विल बी 544, यही आता, ये 540 है, तो अगला वाला 544 पे होता, सो ये आपके पास एड्रेस आ गया। सो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, सो दैट इज बेस एड्रेस प्लस आई इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे इंटू विड्थ। तो ये रो मेजर के लिए है, जिसमें पहले फर्स्ट रो स्टोर होती है, फिर आपकी सेकेंड रो स्टोर होती है, फिर थर्ड रो। और अगर यही कॉलम मेजर हो जाता तो कोई चेंज नहीं है, बस जहां पर आई है वहां जे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस जे इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज प्लस आई इंटू विड्थ। तो उसका क्या मतलब है कि पहले मेमोरी में फर्स्ट कॉलम स्टोर हो रहा है, फिर मेमोरी में सेकेंड कॉलम स्टोर हो रहा है, फिर थर्ड कॉलम स्टोर हो रहा है, तो ये कॉलम मेजर में हो जाएगा। अब ऑब्वियसली इसमें आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे दे नहीं देंगे कि भाई इस एड्रेस की वैल्यू बताओ। आपको कह सकते हैं कि आपके पास एक 10 by 20 की मैट्रिक्स है, उसमें आपका जो A57 है वो 1000 पे स्टोर्ड है, तो बताओ एरे का बेस एड्रेस क्या है। वो बेसिक मैथ्स हो गया, आपको फॉर्मूला पता है, जो जो वैल्यूज पता है उनको वहां पे फिल करो, और जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। सो दैट वे यू कैन गेट अ न्यूमेरिकल ऑन इट। सो ये न्यूमेरिकल में आपको पूछ सकते हैं कि एड्रेस कैलकुलेट करके बताओ। रो मेजर का फॉर्मूला, कॉलम मेजर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन में गिवन है उन वेरिएबल्स को पुट कर दो, जो मिसिंग है वो आप उस इक्वेशन में से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट एड्रेस, ठीक है। सो कुछ ऑपरेशंस होते हैं एरेस पे जो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि सर्चिंग हो गया, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च,
Then you have sorting ke different techniques hain, how to insert an element in an array, how to delete an element from the array, merging of an array, jahan par do arrays ko milakar aap teesra array banate ho. So these all operations we will be doing in the next one shot. Theek hai, to arrays ke ye jo basic operations hain wo hum next one shot mein karenge. Tab tak aap इन चीजों को रिवाइज करो और जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए कहा है उसे करके देखो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा. कोड मैंने दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू डू द ड्राई रन एंड सी हाउ इट इज वर्किंग एंड हाउ टू ऐड टू स्पार्स मैट्रिसेस. सो इतना आप ट्राई करेंगे ताकि आपका सारा जो बेस है वो क्लियर हो जाए एंड देन टुमारो वी विल बी डूइंग ऑपरेशंस ऑन द एरेज इंक्लूडिंग ऑल द बेसिक ऑपरेशंस जो एरे पे परफॉर्म हो सकते हैं.